इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, है ना। तो इन स्पेस तो लेट एक्स वाई जेड और विच परपेंडिकुलर एक्सिस इन स्पेस, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट लेट ए, पॉइंट ए से पास हो रहा है लाइन, ठीक है। लाइन पॉसिंग थ्रू पॉइंट ए, चलिए पॉइंट ए है, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन आती लाइन दोनों निकालो, वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन। इसके लिए हम क्या करें बताओ, जैसे लाइन बी वेक्टर है, ठीक है, और गिवन वेक्टर ए वेक्टर है, दोनों पैरेलल है, तो दो पैरेलल वेक्टर के कंडीशन क्या होती है, अब इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन दे कैन बी इक्वेटेड बाय स्केलर्स, है ना। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उसको हम स्केलर टाइम्स इक्वेट कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है हम एक पॉइंट ए तो दूसरा पॉइंट बी ले लेते हैं, इसमें कोई पॉइंट पे कोई आर्बिट्री पॉइंट पे ले लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर आर ले लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लेते हैं आर, ना, ठीक है। तो एपी एपी निकाल लीजिए, तो वेक्टर एपी क्या हो जाएगा, वेक्टर एपी इक्वल टू ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, ना। तो वेक्टर एपी क्या हो जाएगा, वेक्टर एपी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर, ठीक है, ये ना। अब देखिए वेक्टर आर या एपी वेक्टर और वेक्टर बी पैरेलल, एपी वेक्टर एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, है ना, ठीक है। जब पैरेलल वेक्टर है आर पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ, हैं, पैरेलल वेक्टर्स आर स्केलर टाइम, पैरेलल वेक्टर कैन बी इक्वेटेड बाय स्केलर टाइम। तो जैसे एपी और बी पैरेलल है, तो एपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाते हैं, लैम्डा टाइम वेक्टर बी, है ना। और एपी वेक्टर की वैल्यू क्या है, एपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ओए है,
और पोजीशन वेक्टर आप बी जो है वो बी ले लेते हैं, सर बी ले लेते हैं, तो पोजीशन वेक्टर आप ए है और पोजीशन वेक्टर आप बी बी है। अब हमको क्या करना है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है, वेक्टर इक्वेशन ना। तो वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करिएगा, इसमें एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक है, और इसके टर्म में हम वेक्टर इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे। तो पी का कोऑर्डिनेट आर दिखा देते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे पैरेलल की कंडीशन लगी है, क्योंकि देखिए यहाँ दो वेक्टर हम ले सकते हैं, एक ए पी वेक्टर एक ए बी वेक्टर, तो इस लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ ना, इसलिए ए पी वेक्टर और ए बी वेक्टर पैरेलल होंगे, ए पी वेक्टर इज एंड ए बी वेक्टर आर पैरेलल, ए बी वेक्टर आर पैरेलल। जब ये पैरेलल है ना, तो पैरेलल की कंडीशन लग जाएगी, माने वेक्टर ए पी को क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड टाइम वेक्टर ए बी यहाँ लग जाएगा ना। तो वेक्टर ए पी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और लैम्डा टाइम ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ना। तो ये हो गया वेक्टर ऑफ, ये हो गया वेक्टर ए, और ये गया लैम्डा, ये वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए हो गया ना, ठीक है। इस टाइप से वेक्टर ऑफ इसको क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम सॉरी ये ए प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर बी है, ए प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए सर कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखिएगा बताइए। जैसे आर वेक्टर आर का कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, एक्स आई और प्लस वाई जे और प्लस जेड, है ना। वेक्टर ए का कार्टेशियन फॉर्म लिख दीजिए, तो ए एक्स आई के और प्लस ए वाई जे के और प्लस ए जेड के, है ना। और लैम्डा टाइम इसका वेक्टर बी का कार्टेशियन फॉर्म लिखिए, तो वेक्टर बी का कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, ये हो गया बी एक्स आई के और प्लस बी वाई जे के और प्लस बी जेड के ना। फिर माइनस ए एक्स आई के माइनस ए वाई जे के माइनस ए जेड के, है ना, ठीक है। तो या फिर ऐसे ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आप x1 y1 कार्टेशियन फॉर्म में इसको लिख देते हैं। जैसे वेक्टर ए को हम मतलब पॉइंट ए को x1 y1 और z1 लिखते हैं, और पॉइंट बी को ले लेते हैं x2 y2 पॉइंट पी आपका एक्स वाई जेड, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स आई और प्लस वाई जेड और प्लस जेड, ये वेक्टर आर हो गया। वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा x1 i प्लस y1 j और प्लस जेड हो जाएगा, और प्लस लैम्डा टाइम ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x2 i और प्लस वाई टू जे और प्लस जेड माइनस x1 i माइनस y1 j माइनस जेड, ठीक है। तो देखा आपका x i और प्लस y j और प्लस जेड इसको यहाँ पर।
तो ये जगह होगा x1 आगे आप देखिए पहले का पार्टीशन फॉर्म लिखे इधर सेकंड का हैं इधर पहले इधर का पढ़ते हैं हाँ तो देखिए इसका क्विक पार्टीशन फॉर्म लिखते हैं ठीक है इसको इसी के नीचे लिखना ये वाला पार्ट इसके नीचे लिख वो वाला पार्ट इसके नीचे वाला ये दूसरा क्वेश्चन दूसरा है पासिंग थ्रू टू पार्ट से पासिंग थ्रू वन पार्ट पासिंग थ्रू वन पार्ट के यहाँ दिखा रहा हूँ ठीक है तो इसमें क्या करेंगे पार्टीशन फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर इक्वेशन क्या बताइए वेक्टर इक्वेशन आप लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पायलट टू गिवन वेक्टर है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर बी है ना तो देखिए हम P का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं x y z मान लेते हैं ठीक है और A का कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं x1 y1 z1 मानते हैं ठीक है तो वेक्टर r क्या हो जाएगा x y plus y z और plus z k ठीक है और वेक्टर a क्या हो जाएगा x1 i plus y1 j और plus z1 k ठीक है और ये हो जाएगा आपका plus lambda time और वेक्टर b तो वेक्टर b लिखेंगे तो वेक्टर बी क्या होगा वेक्टर बी
तो डायरेक्शन नंबर ए बी सी है, एरिया में कुछ भी दिखा सकते हैं। तो लेट डायरेक्शन नंबर ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन नंबर या डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन नंबर ऑफ वेक्टर बी इज ए बी सी। तो वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर बी आपका हो जाएगा, वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ए आई और प्लस बी जे और प्लस सी, ये होगा ना, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई कैप साइन लीजिए तो एक्स माइनस एक्स वन, आई कैप और प्लस वाई माइनस वाई वन, जे कैप प्लस जेड वन जेड वन, के कैप, ठीक है। इसको लेमडा लेमडा के आई कैप प्लस लेमडा बी जे कैप और प्लस लेमडा सी। अब देखिए बहुत सेट क्या करते हैं, आई जे के कोएफिशिएंट इक्वेट कर देते हैं, एक्स माइनस एक्स वन और जगह लेमडा ए है, और यहाँ से एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू लेमडा हो गया, ठीक है। वाई माइनस वाई वन इक्वल टू लेमडा बी हो जाएगा, यहाँ से वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू लेमडा हो जाएगा, है ना। फिर जेड माइनस जेड वन इक्वल टू लेमडा सी हो जाएगा, तो जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू लेमडा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर हैविंग डायरेक्शन रेशियोस ए बी सी, ठीक है, है ना, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए फ्रॉम वाई टू जेड वन एंड पैरेलल टू ए वेक्टर होल डायरेक्शन रेशियो इज ए बी सी, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म, कभी कभी कार्टेशियन फॉर्म पूछते हैं, कभी वेक्टर फॉर्म पूछते हैं, कभी दोनों पूछते हैं, ठीक है। तो दोनों फॉर्म आप जानते हैं, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है।